अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन वर्कशॉप आमदीद। आज का वीडियो टॉपिक है, हमारे पास नोकिया का 106 मॉडल नंबर है। तो इसका TA मॉडल नंबर बनता है 1114, ठीक है, 1114। तो इसका IMEI चेंज करेंगे, ठीक है, इसको लीगल IMEI लगाएंगे। तो आपने भी लीगल IMEI जो है वही यूज़ करना है, अनलीगल IMEI आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर इसको मैं कर दिया ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद इसको बैक करता हूँ, यहाँ पर स्टार हैश 06 हैश, ये वाला मैंने जो आपको दिखा दूँगा, यहाँ पे ये वाला IMEI जो है वो फर्स्ट वाला चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है नोकिया के जो कोड है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, मोस्टली जो वर्क करते हैं स्टार हैश 0160 हैश, ठीक है, ये वाले कोड है जो मोस्टली लगते हैं, वो वाले मैं आपको कोड बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार हैश 0001, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्टार हैश 066 हैश, उसके बाद ये 66 हैश, ठीक है। उसके बाद स्टार हैश 328 हैश, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ, जो इसका कोड जो इसको लगना है वो मुझे पता है, ठीक है, इसको लगना है स्टार हैश 7003। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हर फ़ोन को जो है वो इस तरह के कोड जो है वो नहीं लगते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। IMEI आपने सिंपली इसको बैक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 0, ठीक है, 0289945, इसको कर दिया। ऑप्शन पे सेंटर वाले पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। इसको सक्सेस हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ स्टार हैश 06 हैश। तो यहाँ पे जो है वो IMEI नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपने लीगल IMEI नंबर ही यूज़ करना है, लीगल IMEI आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, उससे आपको बचना है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।